Assalamu alaikum. As you know that we are tracing the theories of mass communication, and we are seeing that how mass media was first considered to have a very powerful effect, and then gradually how this paradigm shifted to limited effect, and then gradually this particular paradigm was also challenged, and again this concept that mass media has a powerful effect started emerging. Now, when we initially discussed that mass media has a powerful effect, we discussed a number of theories, and the theory that came in the most forefront was the magic bullet theory. And this theory was particularly popular in Europe. And then we discussed that when the age of empirical studies came, and this particular way of trying to find out the effect of mass media through empirical studies came in अमेरिका, और अमेरिका के अंदर उन्होंने बहुत सारी मिडिल रेंज थेरीज प्रोपाउंड की, और ये सब मिडिल रेंज थेरीज जो थी दे वर बेस्ड ऑन सर्टन एम्पिरिकल स्टडीज़, ऑन बाय एम्पिरिकल स्टडीज़ वी अंडरस्टूड एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड सर्वे मेथड. इन मेथड्स के थ्रू जो अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट से उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि मास मीडिया का पावरफुल इफेक्ट नहीं है. फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता ये देखा कि जब लोगों की कंसर्न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई कि अगर आप ये कहते हैं कि मास मीडिया का लिमिटेड इफ़ेक्ट है, तो फिर हमें क्यों लगता है कि हमारे लोगों में और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों में वायलेंस या अग्रेशन जो है वो बढ़ गया है. और जो लोग थे उनकी उन्होंने इसको डायरेक्टली रिलेट किया मास मीडिया के साथ और ख़ास तौर पर टेलीविज़न के साथ. और ये बात सामने आई कि टेलीविज़न इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन द चिल्ड्रन. इसके लिए जो बात सामने उन्होंने ये की, जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि मास मीडिया का पावरफुल इफ़ेक्ट नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो इतना ज़्यादा मास मीडिया को, ख़ास तौर पर टेलीविज़न को इस्तेमाल करते हैं. कोई ना कोई तो बात है मास मीडिया में, या कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस है टेलीविज़न का, जिसकी वजह से एडवर्टाइजर्स जो है वो टेलीविज़न का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी तरह उन्होंने कहा कि इसी चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चों के वायलेंट बिहेवियर के साथ, और हम कह सकते हैं कि जो अग्रेशन या जो वायलेंट कंटेंट मीडिया का है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंट बिहेवियर इन द चिल्ड्रन. एंड सो व्हेन दिस ग्रोइंग कंसर्न बिकेम वेरी पॉपुलर, सो मोर रिसर्चर्स वर बीइंग डन, एंड the limited effect paradigm was being challenged, and number of researchers were took place. Aur usme the things that this time what mass communication theorists did was that they borrowed different ideas from other disciplines, and which included particularly the psychology discipline. Aur psychology ke discipline se they took up a few theories and they applied it on the effect of mass media on the children. और उसमें हमने सोशल कॉग्निटिव का और मॉडलिंग का और एब्स्ट्रैक्ट मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट को स्टडी किया. अब ग्रेजुअली जो नई टेंडेंसी जो इमर्ज हुई वो ये हुई कि यस, मास मीडिया हैज़ अ पावरफुल इफेक्ट, बट लेट्स नॉट स्टडी द इफेक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन इंडिविजुअल्स, लेट्स स्टडी द इफेक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन द सोसाइटी. And then we discussed the concept of microscopic and macroscopic approaches of trying to study the effect of mass media. Or microscopic se humne ye samjha tha ki jo studies individuals pe focus kare aur wo ye dekhe ki mass media ka individuals pe kya asar hai, to wo microscopic studies ho jayengi. Aur jo studies is pe focus kare ki mass media ka pure maashre pe क्या असर हो रहा है, उसकी कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उन पे क्या असर हो रहा है, उसके जो पॉलिटिकल सीन है उस पे क्या असर हो रहा है, तो वो हम उनको मैक्रोस्कोपिक स्टडीज़ कहेंगे. बेसिकली जो कंसर्न था वो कंसर्न ये डेवलप हुआ कि जो मास मीडिया है वो हमारे कल्चर पे इफ़ेक्ट होता है, और फिर वो जो कल्चर पे जो इफ़ेक्ट होता है तो पूरा माशरे के ऊपर उसका असर होता है. इसमें जो बात हमने डिस्कस की वो ख़ास तौर पे इस बात पे हमने फोकस किया कि हम ये देखें कि जो मास मीडिया है वो हमें जब किसी भी चीज़ के बारे में मैसेज देता है,
या किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो मैस मीडिया का क्या किरदार होता है, यानी वन एवर एनी इवेंट इज़ हैपनिंग एनी वेयर इन द वर्ल्ड, मैस मीडिया ब्रिंग्स दैट मैसेज टू अस और दैट इन्फॉर्मेशन टू अस. नाउ हाउ डज मैस मीडिया डू दैट, हाउ डज मैस मीडिया इंटरप्रिट और फ्रेम दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एंड गिव्स इट टू अस. एंड देन वी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन, और फिर हमने मीडिएशन ही को फिर हमने आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो था कि मीडिया के साथ किस तरह से एक मीडिएटेड रियलिटी बनती है. और मीडिएटेड रियलिटी यही है कि यूजुअली पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू द एक्चुअल इवेंट और द एक्चुअल थिंग, वॉट एवर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इवेंट दैट दे रिसीव इज़ यूजुअली थ्रू मैस मीडिया. और इसमें हमने मैस मीडिया का जो ये मीडिएशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े या जो मीडिएशन के कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े वो ये थे. हमने ये देखा था कि क्या मैस मीडिया जो है वो एक विंडो का किरदार अदा करता है, यानी किस तरह से जो चीज़ हो रही है उसको बिल्कुल वैसे ही दिखाता है और उसमें कोई किसी थर्ड पार्टी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती. हमने ये डिस्कस किया था कि क्या मैस मीडिया जो है वो एक मिरर का उसका एक रोल है कि वो जो चीज़ हो रही है उसकी अकासी करता है. लेकिन हमने फिर मिरर के कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हम जो देख रहे होते हैं वो डिपेंडेंट है कि किस तरह से मिरर का एंगल या डायरेक्शन जो है वो पोज की गई है, यानी हम तस्वीर का वो रुख देख रहे होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स ऑफ द मीडिया हमें दिखाना चाहते हैं. सो वी आर नॉट फ्री टू सी द वे वी वॉन्ट टू लुक एट द थिंग्स, इन फैक्ट वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मैसेजेस हु आर शोइंग अस पिक्चर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर वे. दैट वी डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट एंड दैट वॉज मीडिया एज अ फिल्टर और एज अ गेट कीपर. और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से जो मैस मीडिया है वो कुछ पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को सामने लेकर आता है या उसको प्रोमिनेंस देता है, और कुछ इंफॉर्मेशन को किस तरह से साइड पे कर देता है या उसको बिल्कुल नहीं दिखाता है. और इसमें मीडिया की एक डिलिब्रेट एफर्ट भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि वो डिलिब्रेट हो, लेकिन वो एक गेट कीपिंग या फिल्टर का भी एक किरदार अदा करता है मैस मीडिया. इसके बाद फिर हमने ये किया था कि क्या मैस मीडिया जो है वो एक साइन पोस्ट या एक गाइड का या एक इंटरप्रेटर का किस तरह से किरदार अदा करता है. और उसमें ये देखा था कि जब हमें कोई इंफॉर्मेशन वाया मीडिया मिलती है तो बाज़ दफ़ा मीडिया जो है वो इन ऑर्डर टू गाइड अस इट स्टार्ट इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन मेक सेंस ऑफ समटाइम्स एनी पजलिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हो जिसको कि हम खुद वी कांट मेक सेंस ऑफ इट, तो मीडिया जो है वो जो एक जो उसका जो मीडिएशन का जो किरदार है वो इस तरह से करे कि वो एक हमें गाइड करे, वो हमें समझाए कि इस इन्फॉर्मेशन को हम इस तरह से समझें. फिर हमने एक और जो इसका देखा एस्पेक्ट वो ये था कि क्या मीडिया जो है वो फोरम और प्लेटफॉर्म फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ भी है कि नहीं है, यानी वो जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स माशरे में हैं उनको सामने लाने के लिए क्या वो एक प्लेटफॉर्म मैस मीडिया बनता है या नहीं बनता है, और अगर वो बनता है तो फिर किस तरह से जो ऑडियंसिस का फीडबैक है उसको वो किस तरह से इनकॉर्पोरेट करता है. यानी वी डू नॉट हैव एक्सेस टू हैव टू इंटरेक्ट विद ऑल द पीपल और विद डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो मीडिया प्रोवाइड्स दैट फोरम वेयर वी कैन इंटरेक्ट, वी कैन एक्सपोज आर सेल्व टू द ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल. एंड देन फाइनली वी डिस्कस्ड दैट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट मैस मीडिया जब मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा हो, यानी जब वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो अबाउट द एक्चुअल इवेंट और आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसके अंदर ये भी हो सकता है कि मैस मीडिया जो है वो एक स्क्रीन या एक बैरियर का रोल अदा करे, यानी वो आपको बिल्कुल रियलिटी से कट ऑफ कर दे और वो आपको फॉल्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड दिखाए. और वो किस तरह से कर सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाए जिसका कि रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो या आपकी अटेंशन जो है वो बिल्कुल डाइवर्ट करते. इसके बाद फिर हमने देखा ये था कि जो मैस मीडिया है वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, और क्योंकि वो एक सोसाइटी का हिस्सा है तो हम ये देखते हैं कि कितना सोसाइटी का मैस मीडिया के ऊपर असर होता है और कितना मैस मीडिया का सोसाइटी पर
असर होता है। और हमने ये देखा था कि जो सोसाइटी है उसके अंदर जो डिफरेंट द डिफरेंट पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी बिलोंग टू डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, यानी पीपल देर इज़ नॉट अ बैलेंस इन एवरी देर इट इज़ नॉट एवरी बडी हु इज़ लिविंग इन द सोसाइटी इज़ नॉट लिविंग एट द सेम इकोनॉमिक लेवल। द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सम पीपल इन द सोसाइटी आर मोर पावरफुल एंड सम आर लेस। एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वेयर इज़ मीडिया प्लेस्ड, एंड वी डिस्कस दैट मीडिया इज ऑल्सो इन द सोसाइटी काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री विच हैज़ कॉस्ट वैल्यू विच इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई सर्टन पीपल एंड सर्टन पीपल हैव एक्सेस टू इट। इट्स नॉट दैट एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू दिस मैस मीडिया, एंड सिंस इट हैज़ अ सर्टन कॉस्ट वैल्यू इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, सो इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सर्टन पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड लीगल रेगुलेशन। तो मैस मीडिया क्योंकि एक इंडस्ट्री है और वो माशरे का एक हिस्सा है, तो उसके ऊपर भी कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए। और इस रेगुलेशन को जब हम सामने रखते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि जब हम मैस मीडिया का रोल सोसाइटी में देखते हैं तो फिर उसका क्या रोल होना चाहिए और क्या जो रोल वो अदा कर रहा है वो तमाम माशरे के लोगों का फ़ायदा सामने रख के कर रहा है या वो एक ख़ास तबके के इंटरेस्ट को सामने रख कर कर रहा है। बेसिकली वी आर मूविंग नाउ टू द क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड विच आर बेसिकली नाउ क्रिटिसाइजिंग दिस पर्टिकुलर रोल ऑफ द मैस मीडिया, दैट मैस मीडिया माइट नॉट बी केटरिंग फॉर द वेल बींग ऑफ द होल सोसाइटी। मैस मीडिया might just be catering for a particular, for the interests of a particular class of people. So these were the questions that were being posed. And so now what is happening is that the role of mass media is studied at a larger scale, at a macroscopic level, not at a microscopic level. इसमें फिर हमने दो कॉन्सेप्ट्स समझने हैं और जो आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि वो कौन से दो मॉडल्स हैं जो कि मैस मीडिया के रोल को माशरे में समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो दो मॉडल्स अकॉर्डिंग टू मैकुल ये हैं, एक है डोमिनेंट मीडिया और दूसरा है प्लूरलिस्ट मीडिया। फ्रॉम डोमिनेंट मीडिया व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि मीडिया इज सबसर्वियंट टू अदर इंस्टीट्यूशंस विच आर देमसेल्व्स इंटर रिलेटेड। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आर लाइकली टू बी ओन्ड और कंट्रोल्ड by a small group of people who have special interest, who have powerful interest, and because of that they give the same kind of messages. yani jo ye model dominant media ko jo model pesh karta hai wo ye kehta hai ki jo media hai wo owned or controlled by a certain powerful group hai, yani ek khas group hai jo ke financially bhi behtar hai aur politically bhi uski ek standing hai और वो कंट्रोल कर रहा है मैस मीडिया को। और उस कंट्रोल मीडिया को उसको कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जो जिस किस्म के जो वो मैसेजेस दे रहा है वो मोरलेस उनकी एक ही थीम है और एक ही किस्म के वो मैसेजेस हैं, और वो जो मैसेजेस हैं वो केटर कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के या रूलिंग ग्रुप के इंटरेस्ट को। और इसमें फिर ये हो जाता है कि जो ऑडियंसेस हैं जब वो इन मैसेजेस को सुनते हैं तो उनकी जो थिंकिंग है वो भी लिमिटेड हो जाती है और वो भी वही व्यू दुनिया का समझते हैं जो के दोज हु आर इन पावर वांट्स देम टू अंडरस्टैंड। यानी अकॉर्डिंग टू दिस डोमिनेंट मॉडल द ऑडियंसेस व्हेन दे आर एक्सपोज टू द सेम काइंड ऑफ मैसेजेस ओवर एंड ओवर अगेन दे फील दैट दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज हाउ दे मस्ट अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी एंड दिस truth which they think is the truth is basically fabricated or basically it suits the interests of those who own the media, and the owners of the media are a small powerful strong influential group of the society. Contrary to this the other model is the pluralist media. Pluralist media ka jo concept hai wo ye hai ki it is not the dominant elite that is controlling the media. In fact, the media is very democratic in nature. And what it says is ke nahi,
मीडिया जो है वो प्लुरलिस्ट इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि मीडिया में हर किस्म की आपको व्यू पॉइंट्स नज़र आएंगे और हर जो डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स के जो लोग हैं वो भी मीडिया में आते हैं। डिफरेंट ओपिनियंस जो लोग रखते हैं उनके वो भी अपनी ओपिनियन को जो है वो सामने ला सकते हैं मीडिया के ऊपर। और इसकी वजह से तो एक ख़ास जो ग्रुप है उसका कंट्रोल नहीं है। और वो ये क्लेम करते हैं कि ये जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जब आते हैं तो ऑडियंसेस जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो सिफ्ट आउट कर सकें कि कौन सी सही इन्फॉर्मेशन है या वो कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन है। और फिर प्लूरिस्ट मॉडल जो है उसमें ये भी वो क्लेम करते हैं कि इस तरह से पीपल कैन नॉट बी परसुएडेड टू थिंक इन द सेम वे एंड पीपल रिजिस्ट थिंकिंग इन द सेम वे। यानी बिकॉज मीडिया प्रोजेक्ट सो मेनी डिफरेंट व्यूज एंड इट इज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर, सो द ऑडियंस आर नॉट कंस्ट्रेंड और इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ सर्टन थिंग इन अ सर्टन वे। दे आर एक्सपोज टू सो मेनी ओपिनियंस सो दे फॉर्म देयर ओन ओपिनियन, दे सिफ्ट आउट इन्फॉर्मेशन एंड दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉट इज ट्रूथ एंड वॉट इज फॉल्स। एंड बेसिकली दिस पर्टिकुलर मॉडल इज बेस्ड ऑन द आइडियलाइज वर्जन ऑफ लिबरलिज्म, और जिसको कि हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी को जो हमने पहले भी स्टडी किया है वही चीज़ सामने रख कर ये मॉडल सामने आता है। यानी कि अगर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो और उसमें एवरीबडी इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन, तो खुद ब खुद ही जो अच्छे आइडियाज़ हैं वो सामने आ जाते हैं और जो आइडियाज़ जो कि इतने पॉजिटिव नहीं हैं वो खुद ब खुद ही माशरे में जो लोग होते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो दीज टू मॉडल्स रिगार्डिंग दी रोल ऑफ मैस मीडिया इन अ सोसाइटी आर कंसिडर्ड बाय द सोशल साइंटिस्ट। वन इज द डोमिनेंट वन एंड द अदर वन इज द प्लूरलिस्ट वन। इसके साथ साथ व्हाट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इज दैट मीडिया का एक और भी किरदार होता है, दैट इज इन ट्राइंग टू मेंटेन अ सर्टेन सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी। एंड सो व्हाट द थ्योरीज ऑफ मैस कम्युनिकेशन हैज ऑफन शेयर्ड विद सोशोलॉजिस्ट्स ऑफ अदर डिसिप्लिन्स, दैट हाउ सोशल ऑर्डर कैन बी मेंटेन्ड बाय द मैस मीडिया। यानी कि ज़्यादातर सोशल साइंटिस्ट की जो कंसर्न रही है कि माशरे के अंदर एक कोहेसिवनेस लाने के लिए जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं माशरे के उनको उनका क्या किरदार होना चाहिए। तो इसी चीज़ को सामने रखकर जो मैस कम्युनिकेशन के जो सोशल साइंटिस्ट से उन्होंने भी मैस मीडिया को स्टडी किया। इसमें से ऑफकोर्स कुछ नेगेटिव व्यूज़ भी हुए और कुछ पॉजिटिव व्यूज़ भी आए। जो नेगेटिव व्यूज़ आए मैस मीडिया को सामने रख के, क्योंकि मैस मीडिया जो है वो एक नेगेटिव किरदार अदा करता है सोसाइटी में, बजाय इसके को वो कोहेसिव करे सोसाइटी को, वो सोसाइटी में डिसरप्शन लेकर आता है। और उन्होंने ये कहा जो सोशल साइंटिस्ट थे उनका ये व्यू है कुछ का कि मीडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड अर्बनाइजेशन, सोशल मोबिलिटी एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। और ये जो मैस मीडिया है ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ क्राइम एंड डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। यानी मैस मीडिया क्योंकि आपके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको चैलेंज करता है और वो एक किस्म का रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है, इसलिए माशरे के अंदर जो क्राइम है जो बढ़ रहा है वो दैट इज़ आइडेंटिफाइड विद मैस मीडिया। और द रीज़न बीइंग कि उन्होंने के जो मैस मीडिया है वो लोगों को अपनी तरफ इतनी स्ट्रांगली खींच लेता है कि लोग जो हैं वो उनके अंदर एक जो इम्पर्सनल या इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड है वो बन जाता है। यानी वन इज़ सो हैप्पी वॉट समटाइम्स एज यू कैन ऑब्जर्व ऑल्सो योर सेल्फ के समटाइम्स अ चाइल्ड और अ पर्सन इज सो इन्वॉल्व विद द टेलीविजन दैट ही इज़ not concerned about what is happening in his surroundings and he's away from the actual happenings around him and he's living in another world altogether. So mass media has this power of isolating the people from the rest of the people in the society. This is how mass media ka jo negative effect hai wo perceive kiya jata hai. Again mass media ke bare mein ye bhi kaha jata hai kyunki
मास मीडिया जो है वो आपकी जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है उसको कम कर रहा है, उसकी वजह से जो कोहेसिव पावर्स हैं माशरे में वो भी वीक हो जाती हैं। यानी वो कोहेसिव पावर्स क्या हैं? वो कोहेसिव पावर्स हैं आपकी फैमिली है, आपका रिलीजन है, आपकी दूसरी एजुकेशन है या स्कूल्स हैं, उन सब का जो असर है वो कम होता जाता है और जो मास मीडिया से जो वैल्यूज़ हैं वो सामने आ जाती हैं, और इसकी वजह से जो माशरे के अंदर जो 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 डिफरेंट लोगों का आपस में स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। मास मीडिया इज़ कंसिडर्ड टू प्ले अ वेरी नेगेटिव रोल व्हेन इट कम्स टू सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी, यानी कि द सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन है बिकॉज ऑफ मास मीडिया। दिस इज़ द व्यू ऑफ फ्यू सोशल साइंटिस्ट। ऑन द अदर हैंड देर इज़ एन ऑल्टरनेटिव व्यू ऑल्सो विच इज़ द पॉजिटिव व्यू एंड विच सीज दैट मास मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल इंटीग्रेशन। यानी जो नेगेटिव व्यू है वो ये है कि मास मीडिया डिसइंटीग्रेशन माशरे में पैदा करता है या सोशल डिसइंटीग्रेशन होती है, और जो पॉजिटिव व्यू है वो ये कहता है कि नहीं, मास मीडिया जो है वो माशरे में इंटीग्रेशन पैदा करता है। और वो किस तरह से करता है कि जो माशरे में लोग जो स्कैटर्ड हैं उन सब की जब व्यू पॉइंट्स जो हैं वो मास मीडिया में आते हैं तो लोगों को जो लोग उनसे दूर होते हैं उनके ख्यालात के बारे में भी पता लगता है। सो इट इज़ प्लेइंग अ कोहेसिव रोल, इट इज़ ब्रिंगिंग पीपल क्लोज टू ईच अदर एंड इट स्पेशली इन अर्बन कम्युनिटीज इट इज़ गिविंग देम अ कॉमन वैल्यू सिस्टम एंड इट इज़ गिविंग देम अ कॉमन आइडेंटिटीज, इट इज़ गिविंग देम आइडियाज इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पीपल सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट अदर पीपल्स व्यू पॉइंट एंड इट इज़ ब्रिंगिंग टॉलरेंस इन द सोसाइटी। तो दिस इज़ द पॉजिटिव व्यू, यानी कि एक अर्बन सोसाइटीज़ में जहाँ पे कि इतने किस्म के लोग होते हैं और जिन लोगों की आपस में कोई रीच नहीं होती है, तो उन लोगों के व्यू पॉइंट्स जब मास मीडिया में आते हैं तो लोग बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट्स पता लगते हैं और फिर इस तरह से एक किस्म का उनका एक लिंक बन जाता है, दे कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स और द परसेप्शंस अबाउट डिफरेंट पीपल अबाउट द सेम थिंग एंड देन इट कैन ब्रिंग सर्टन टॉलरेंस इन द सोसाइटी। सो द पॉजिटिव व्यू इज़ दैट मास मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, इट बाइंड्स टुगेदर अ लार्ज स्केल ऑफ डिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। एंड ही सेज के दिस रोल ऑफ मास मीडिया इज मोर स्ट्रॉन्ग देन कंपेयर टू द अदर ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम। यानी जो रिलीजन या फैमिली या जो आपका कोई और ग्रुप्स जिसमें आप मूव करते हैं वो इतना स्ट्रांगली सोशल इंटीग्रेशन नहीं कर सकता जितना स्ट्रांगली मास मीडिया जो है वो कर रहा है। सो इट इज़ नॉट सबवर्टिंग सोशल कोहेजन, इट इज़ सपोर्टिंग सोशल कोहेजन। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मास मीडिया जो हमने दो पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट लिए इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जो दो कॉन्सेप्ट्स हम सामने रख के ले सकते हैं वो ये हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज और एक है सेंट्रीपिटल टेंडेंसीज। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो मे बी आपके लिए ये टर्म्स को समझना आसान हो। सेंट्रीफ्यूगल क्या टेंडेंसीज है? ये जब कोई चीज़ सेंटर से दूर होने की कोशिश करती है तो हम उसको कहते हैं कि वो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज हैं, और जब कोई चीज़ सेंटर के करीब आने की कोशिश करती है या अट्रैक्ट होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं या सेंट्रीपिटल टेंडेंसीज हैं। माशरे के अंदर कोई भी चीज़ कोई भी इंस्टीट्यूशन जब काम कर रही हो तो उसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही होती हैं एंड दे आर बोथ ट्राइंग टू कॉम्पनसेट फॉर ईच अदर एंड दे आर समटाइम्स दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो मास मीडिया को भी अगर हम इस तरह से लें कि मास मीडिया के अंदर एक सेंट्रीपिटल टेंडेंसीज भी हैं और सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज भी हैं तो प्रॉबेबली दैट वुड बी मोर फेयर। नाउ लेट्स सी हाउ मास मीडिया शोज सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज। व्हेन वी से दैट मास मीडिया इंक्लूड्स द नोशंस ऑफ चेंज एंड फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी एंड फ्रेगमेंटेशन, दीज आर द सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट? एंड जब हम कहते हैं कि माशरे के अंदर चेंज आता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम ओल्ड वैल्यू सिस्टम के साथ अटैच रहें,
बल्कि हम नई नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि दिस इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी एंड मास मीडिया हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अ चेंज इन आर एवरीडे लाइफ। देन इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक फ्रीली, इट ब्रिंग्स फ्रीडम। यू नो यू आर नॉट जस्ट एक्सपोज टू वन काइंड ऑफ आइडियाज और वैल्यू सिस्टम, यू आर एक्सपोज टू सो मैनी न्यू आइडियाज एंड सो मैनी न्यू थिंग्स एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू बी क्रिएटिव ऑन योर ओन एंड इट गिव्स यू फ्रीडम। सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी ऑफ मैस मीडिया। सिमिलरली व्हेन वी से दैट इट ब्रिंग्स डाइवर्सिटी, दैट अगेन रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज ऑफ मैस मीडिया। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेगमेंटेशन, जैसे जिसको कि हम नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मैस मीडिया में लेकर आए, कि जिसमें कि हमने ये डिस्कस किया कि मैस मीडिया बजाय इसके कि सोसाइटी को इंटेग्रेट करे, वो डिसइंटीग्रेट कर रही है, तो फिर हम कहते हैं कि वो फ्रेगमेंटेशन क्रिएट कर रही है माशरे में, लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रही है। और फिर जब हमने ये डिस्कस किया था कि जी हैव्स और हैव नॉट्स में डिफरेंसेस को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है मास मीडिया, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी है, लेकिन ये एक नेगेटिव साइड पे आते हैं। इसको हम अभी हम थोड़ी देर में और डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। सिमिलरली जब हम मास मीडिया की सेंट्रीपिटल टेंडेंसीज को सामने रखते हैं, तो फिर हम ये नोशंस को सामने लाते हैं कि मास मीडिया जो है, इट ब्रिंग्स ऑर्डर, इट ब्रिंग्स कंट्रोल, इट ब्रिंग्स यूनिटी एंड इट ब्रिंग्स कोहेशन। यानी सेंट्रीपिटल टेंडेंसीज ऑफ मास मीडिया ये है कि जो माशरे के जो डिफरेंट तबकात हैं, उन सबको वो एक जगह पे, उन सबको में एक यूनिटी पैदा करते हैं, उन सबको में कोहेजन पैदा करते हैं। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो यही है कि यू आर कंट्रोलिंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल एंड यू आर मोर लेस मेकिंग देम थिंक ऑन द सेम लाइंस। सो इफ वी पिक अप द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मास मीडिया एंड वी से दैट मास मीडिया इज कंट्रोलिंग the mind of the people to think in one particular way and that particular way is catering to the interest of one group of people, then it is a negative centripetal tendency, but it is a centripetal tendency. Now keeping these two tendencies in mind, that is centripetal and centrifugal tendencies in mind, we discuss the four different theoretical positions relating to social integration. Of course, these four theoretical positions are negative and positive. Now the first theoretical position relating to social integration is the positive version of the centripetal effect, which stresses that media as integrative and unifying role. Basically isko hum jo humne functionalist view hai ye usko cater karta hai, yani ke centripetal tendency isme hum ye dekhte hain ke mass media jo hai wo logo ko integrate kar raha hai aur ek uska ek unifying role hai. Iska matlab ye ke maasra jo hai wo ek स्मूदली चलेगा, और ये फंक्शनलिस्ट व्यू है। और फंक्शनलिस्ट व्यू में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम ये देखते हैं कि किस तरह से माशरे में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं ताकि माशरा जो है वो एक स्मूदली रन करे। और सो इट्स लाइक अ फंक्शनल कोई चीज़ उस वक्त होती है जब वो माशरे के अंदर डिस्ट्रप्शन पैदा ना करे। तो मास मीडिया अगर माशरे में इंटेग्रेशन पैदा कर रहा है तो वो एक पॉजिटिव वर्जन ऑफ सेंट्रीपिटल इफेक्ट है। दूसरा जो नेगेटिव वर्जन है वो ये है ऑफ द सेंट्रीपिटल टेंडेंसी है कि व्हेन यू से दैट मास मीडिया इज हैविंग एन होमोजेनाइजेशन इफेक्ट ऑन द पीपल, और यू कैन से दैट इट इज़ हैविंग मैनिपुलेटिव कंट्रोल ऑन द पीपल। यानी जो सेंट्रीपिटल टेंडेंसी का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये बताता है कि अगर माशरे में तमाम लोग एक तरह से सोचने लग जाएं तो वो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। जैसे कि हम ये कहें कि मास मीडिया के थ्रू एक किस्म का हमें ये मैसेज मिलता है कि जी यू नो ऑल ऑफ़ यू शुड बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ योर हेल्थ एंड यू नो टू बी थिन इज़ इन एंड सो इवन इफ़ यू आर स्लाइटली फैट बिकॉज एवरीबडी इज़ सेइंग दैट टू बी थिन इज़ गुड, so you make you know drastic changes in your lifestyle and you try to become thin no matter how much it affects your health. to kya hua ki ek jo ek general perception ye bani hui hai ki ji jo duble patle insaan hai wahi acche hain, wahi smart hain, wahi healthy hain, to wo everybody starts thinking like that. similarly
अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन ले लें कि अगर एक ये मास मीडिया मैसेज दे कि इन ऑर्डर टू बी ब्यूटिफुल यू हैव टू लुक फेयर एंड यू हैव टू यू नो लुक फेयर इन द सेंस दैट यू हैव टू बी वेरी डेक्ड अप एंड यू हैव टू बी वेरी चार्मिंग सो फॉर दैट यू नीड टू यूज सर्टन क्रीम्स. वॉट इज़ हैपनिंग इज़ कि एक जो जनरल परसेप्शन मीडिया बनाया ने बनाया वो ये बनाया कि जी अगर आपने खूबसूरत लगना है या अगर आपने चार्मिंग होना है तो यू हैव टू लुक फेयर. और एक ये एक होमोजेनाइजिंग इफेक्ट क्रिएट किया मास मीडिया ने और जो जनरली जो ऑडियंस है उनके जहन में यही बात आ गई. तो किस तरह से जो मास मीडिया है वो फिर मैनिपुलेट किया उसने इस बात को कि टू बी फेयर इज मीन्स टू बी ब्यूटिफुल और टू बी ब्यूटिफुल मीन्स टू बी फेयर. सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑल्सो कि हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ एक्सप्लॉयटेड स्पेशली बाय द एडवर्टाइजर्स एंड हाउ द पीपल एट लार्ज आर बिकम द विक्टिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग. एंड देन द आयरनी इज़ दैट व्हेन पीपल आर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड. यानी कि अगर माशरे में हम ख़वातीन को सिर्फ ये कहें कि जी अगर आपने खूबसूरत लगना है और आप तो उसके लिए आपको गोरा बनना है और गोरा बनने के लिए आपने ख़ास किस्म की क्रीम इस्तेमाल करनी है तो वो नो मैटर हाउ कॉस्टली इट इज़ द वेमेन आर गोइंग टू बाय दैट क्रीम एंड एंड दे आर बेसिकली केटरिंग टू दी इंडस्ट्री टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड दे आर दैट इंडस्ट्री इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड द वेमेन हु आर बाइंग दैट क्रीम डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड एंड दे आर केटरिंग टू वन इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. तो ये जो होमोजेनाइजिंग इफेक्ट है इसको हम सेंट्रिपिटल टेंडेंसीज का एक नेगेटिव इफेक्ट कहेंगे. जो थर्ड पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं वो ये है द पॉजिटिव वर्जन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज. और उसमें हम जो पॉजिटिव इफेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाता है, ये फ्रीडम की तरफ लेके जाता है और मोबिलिटी की तरफ लेके जाता है. यानी कि जो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगलिज्म है वो ये है कि यू ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ, यू आर नॉट स्टैगनेंट, यू आर नॉट स्टेल, यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, योर लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग, योर वे ऑफ थिंकिंग इज चेंजिंग, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन योर सराउंडिंग्स एंड सो हेयर सिंस यू आर नॉट स्टैटिक यू आर कंटिन्यूसली ब्रिंगिंग अ चेंज इन योर लाइफ एंड द क्रेडिट गोज टू मास मीडिया. सो हेयर the centrifugal tendency of the mass media is positive. इसके बाद इसी centrifugalism का जो negative aspect है वो हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिसमें हम ये कहें कि this mass media is bringing isolation and alienation or loss of values and it is bringing dysfunctional एक role जो है mass media का वो सामने आए. यानी कि जो negative centrifugal tendency तो सामने रख कर जब हम मास मीडिया का सोशल ऑर्डर में फंक्शन देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि मास मीडिया जो है वो लोगों को आइसोलेट कर रहा है फ्रॉम द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. इट इज़ एलिनेटिंग द पीपल. एलिनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स के से ने जो बात एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया है उससे ही लिया गया है कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं या अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उनको दूसरों की परवाह नहीं होती है. और इस एलिनेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात आती है कि जब वो अपने हालात में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं कि उनको इस बात का एहसास भी ना हो कि वो लोगों से आइसोलेट हो गए हैं और वो अपनी उस ज़िंदगी में खुश रहते हैं. और फिर इस तरह से माशरे के अंदर जो है वो जो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं वो ब्रेक होते चले जाते हैं और लोग अपनी एक दूसरे की खुशी और गम में साथ नहीं दे रहे होते. तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से माशरे जो है वो इंटेग्रेट नहीं हो रहा होता बल्कि वो डिसइंटेग्रेट कर रहा होता है. तो फिर हम कहते हैं कि मास मीडिया का इस वक्त एक डिसफंक्शनल फंक्शन है और वो एक माशरे में एक पॉजिटिव या माशरे को आगे नहीं लेके जा रहा बल्कि माशरे को वो में बिगाड़ पैदा कर रहा है. तो सेंट्रीफ्यूगलिज्म का जो नेगेटिव वर्जन है वो
it says that mass media brings isolation and alienation in the people, and people don't even realize that they're breaking their ties with their people who are around them. In do concepts ke baad, again, I would like you to see how the social scientists viewed mass media in Europe and in America. As we've discussed it in the beginning of the lecture, that the powerful effect of mass media, jisko humne grand theories ka naam diya tha, wo emerge hui hai Europe se. Aur Europe mein ye baat aayi thi ki mass media ka bahut powerful effect hai, aur usne ek kisam ka jo humne pehle baat ki thi ki wo ek macroscopic jo view hai usko samne lekar aaye hain. Contrary to this, jab hum USA mein aaye aur USA ke social researchers ko dekha, to unhone ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अपनाई और उन्होंने एम्पिरिकल स्टडीज़ को बेस बनाकर मास मीडिया के इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया. यूरोप के अंदर जो थेरीज थी, जो हम जिसको हमने मैक्रोस्कोपिक कहा या जिनको हमने ग्रैंड थेरीज कहा, वो बेसिकली स्पेक्यूलेटिव इन नेचर हैं. Yani they try to understand the effect of mass media on the culture and society as a whole. It didn't focus on the effect of mass media on the individuals. Whereas the social researchers of US focused on the individuals, and they did not study the effect of mass media on the society as a whole. In Europe, since they were, you know, more concerned with the macroscopic approach, most of them were impressed by the writings of Karl Marx. And they were mostly based on the work of Karl Marx. Karl Marx was a German scholar, and he gave a number of reasons for a certain perversion in the society. And he also gives solutions to that problems that are prevalent in the society. We'll do that, but what we need to understand is that the Marxist theory influenced most of the theories that were prevalent in Europe after World War II, and the research work was conducted in the light of the work of writings of Karl Marx. But there's another interesting thing that you also should look into, that after the Second World War, although Karl Marx se jo inspire hue aur phir aapke communism जो है वो बड़ी पॉपुलर हुई ईस्टर्न यूरोप में भी, लेकिन साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा कि जो सोशलिज्म जो ईस्टर्न यूरोप में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका असर जो है वो कम होता गया. लेकिन कार्ल मार्क्स का की जो राइटिंग्स का असर वेस्टर्न यूरोप के सोशल रिसर्चर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ. यानी कार्ल मार्क्स से इम्प्रेस्ड जो कम्युनिस्ट थेरीज थी या जो सोशलिस्ट थेरीज थी, जब वो ईस्टर्न यूरोप में अपनाई गई, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम अनपॉपुलर. यानी जो उनकी पॉलिटिकल एंटिटी थी वो कम होती गई, लेकिन जो कार्ल मार्क्स का की जो भी जो राइट जो वर्क था, वो वेस्टर्न यूरोप के जो स्कॉलर्स थे उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ. वो असर कुछ इसलिए भी हुआ कि जो वेस्टर्न यूरोप में जो ग्रोइंग जो कैपिटलिज्म की वजह से जो हैव्स और हैव नॉट्स में जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती गई, और जिसकी वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन स्कॉलर्स को नज़र आई, तो उन्होंने उसको सामने रख कर उसको समझने के लिए कार्ल मार्क्स के काम को सामने रखा, और फिर उसको बेस बना के दूसरी मैक्रोस्कोपिक थेरीज जो है वो प्रोपाउंड की. Again, before we go into these theories, which were impressed by Karl Marx's work and which we can call the macroscopic theories, we should first try to understand certain basic concepts of Karl Marx. Karl Marx jo tha, he was familiar with the grand social theories of that time, and he constructed his ideas also around those grand theories. I hope you're clear about this grand theory concept. As we have discussed it earlier also, ke grand theories wo hain jisme ki empirical evidence nahi hai, balki unhone ek speculative aspect hai ki ye socha jata hai ki
ये चीज़ का असर इस तरह से पूरे माशरे पे हो रहा है। उसके बरक्स जो हमने पढ़ी थी मिडिल रेंज थेरीज, वो ये था कि हमने उनको पूरे माशरे पे अप्लाई नहीं किया था, बल्कि हमने उनको इंडिविजुअल्स पे अप्लाई किया था। तो कार्ल मार्क्स का जो भी काम है वो भी इस बात पे फोकस कर रहा था कि जो वो बात कर रहा है वो पूरी माशरे पे अप्लाई होता है, उसको आप इंडिविजुअली उसको आप डील नहीं करते। कार्ल मार्क्स ने ही आइडेंटिफाइड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एज प्रॉब्लम्स, बट ही आर्ग्यूड दैट दीज चेंजेस आर नॉट इनहेरेंटली बैड कंपेयर टू अदर सोशल रिसर्चर्स हु विजुलाइज और हु व्यूड दी मैस सोसाइटी एंड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज नेगेटिव थिंग। बिकॉज हमने जिस तरह पहले शुरू के लेक्चर्स में हमने देखा था कि ये व्यू आया था कि जब मैस सोसाइटी बनी तो मैस सोसाइटी में जो अर्बनाइजेशन की वजह से लोग एक दूसरे से दूर हो गए और जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। तो ये सोशल जो रिसर्चर्स थे उनकी ये कंसर्न थी कि हमें इस मैस सोसाइटी के जो ये इवल्स हैं वी हैव टू डू अवे विद दिस एंड वी शुड गो बैक टू आर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि हाँ, अर्बनाइजेशन और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इट हैज़ क्रिएटेड सर्टन प्रॉब्लम्स, लेकिन इसका एक पॉजिटिव भी इफेक्ट है। इसको समझने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ने जब अपनी जो थ्योरी है जब वो प्रपाउंड की तो उसने ये बताने की कोशिश की कि जो भी हिस्ट्री में चेंजेस आए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल की वजह से आए हैं, और जो भी एंटागनिस्टिक फोर्सेस होती हैं माशरे के अंदर जब वो आपस में कोलाइट करती हैं तो फिर माशरे में तब्दीली आती है। ही वॉज बेसिकली इम्प्रेस्ड बाई अनदर जर्मन स्कॉलर हीगल, और इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था डायलेक्टिक प्रोसेस का। डायलेक्टिक प्रोसेस क्या है? ये माशरे के अंदर जो डिफरेंट कंपीटिंग फोर्सेस हैं उनके अंदर जब स्ट्रगल होती है तो फिर ही माशरे में एक चेंज आता है। इस चीज़ को जब उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में अप्लाई किया तो उसने ये कहा कि इस अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हैव्स और हैव नॉट्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा होगा, और जब ये फ़र्क पैदा होगा तो हैव नॉट जो हैं वो एक स्ट्रगल करेंगे, और उस स्ट्रगल के बाद जो है वो जो हैव्स जो हैं यानी कि जो इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग क्लास है उनसे वो उनकी जो सुपीरियॉरिटी है वो चेंज आएगी और माशरे के अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा एंड एवरीबडी विल ओन थिंग्स इक्वली और एवरीबडी विल हैव द सेम इकोनॉमिक स्टेटस। सो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म को हिट किया और उन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो जो हैं वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं ऑन द वर्कर थ्रू इंडस्ट्री थ्रू लैंड एंड थ्रू लेबर, और इसको वो जो नाम देता है वो कहता है कि दिस इज़ द बेस ऑफ द सोसाइटी, यानी माशरे की जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो कंट्रोल करती है, और वो बेस क्या है? वो है लैंड, यानी कि अगर कोई फ्यूडल है या जो जागीरदाराना निज़ाम है वो, या इंडस्ट्री यानी कि जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो, और जो लेबर है वो उसको जो कंट्रोल करता है, यानी ये जो तीन चीज़ें हैं ये बेस बनती हैं माशरे की, और इन तीन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं द रूलिंग कैपिटलिस्टिक क्लास। इसमें जो वो बात फोकस करता है वो ये कहता है कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम्स होते हैं उसमें एक हायरार्कल क्लास सिस्टम होता है एंड विच इज़ द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन अ सोसाइटी, एंड वॉट ही सेज इज़ कि जो रिच क्लास है जिसको कि हमने हैव्स का नाम दिया था उसको वो बोर्जुआ का नाम देता है, और जो बोर्जुआ क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है जो पुअर क्लास या वर्कर क्लास है जिसको के कार्ल मार्क्स प्रोलेटेरियट्स का नाम देता है और जिसको कि हमने थोड़ी देर पहले हैव नॉट्स कहा था, यानी माशरे में जो बोर्जुआ क्लास है वो एक्सप्लॉयटेटिव क्लास है और जो प्रोलेटेरियट या जो लेबर क्लास है वो एक्सप्लॉयटेड क्लास है, और ये जो एक्सप्लॉयटेशन बाय द बोर्जुआ है वो इसलिए है क्योंकि माशरे में एक हायरार्कल सिस्टम है
कि एक सीनियर है, फिर एक जूनियर है, फिर एक उससे जूनियर है. तो जो सीनियर है, ही हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पावर ऑन द जूनियर टू कंट्रोल हिम, एंड दैट जूनियर हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पावर ऑन द पर्सन हु इज़ लेस और हु इज़ मोर इकोनॉमिकली वीक. तो ये चीज़ को जो है वो कार्ल मार्क्स जो है वो हाईलाइट करता है कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम एक हायरार्कल सिस्टम होता है जिसकी वजह से बोर्जुआ जो है वो एक्सप्लॉइट करता है लेबर क्लास को. और वो ये कहता है कि जो बोर्जुआ क्लास है वो जो है वो बहुत ज़्यादा रूथलेस हैं, और दे आर द रॉबर कैपिटलिस्ट बैरन्स, यानी कि ये लोग जो हैं बहुत जालिम होते हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए. दे डू नॉट केयर अबाउट द लेबर क्लास, दे हैव टू मैक्सिमाइज देयर पर्सनल प्रॉफिट्स एंड एट एनी कॉस्ट दे आर रेडी टू डू दिस. सो दे एक्सप्लॉयट द वर्कर्स और द प्रोलेटेरियस टू द फुलेस्ट सो दैट दे कैन हैव मैक्सिमम बेनिफिट्स. एंड सो वॉट कार्ल मार्क्स वॉज प्रोपाउंडेड वॉज दैट ही सेड कि इफ वी वॉन्ट टू ब्रिंग अ सोसाइटी इन विच एवरीबडी हैज़ द सेम इकोनॉमिक स्टेटस, वॉट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू ब्रिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स. और सो ही वॉज बेसिकली एमिंग फॉर अ यूटोपियन सोसाइटी विच कैन ओनली बी अचीव्ड वेन द हैव नॉट्स और वेन द प्रोलेटेरियंस राइज अप एंड दे ब्रिंग अ रेवोल्यूशन एंड दे डिमांड अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, एंड दिस इज द ओनली वे दैट द एक्सप्लॉयटेशन कैन बी एंडेड, अदरवाइज द एक्सप्लॉयटेशन विल कंटिन्यू. अब हमने जो डिस्कस करना है जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कार्ल मार्क्स के हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट है मटेरियलिज्म का, जिसमें के कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी का, जिसमें के कॉन्सेप्ट है फॉल्स कॉन्शियसनेस का, और एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लास कॉन्फ्लिक्ट का है. ये तमाम चीज़ों को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें मास मीडिया का क्या रोल है. इनको बेस बना के फिर हम जो दूसरी क्रिटिकल थेरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में हम ये सब तमाम चीज़ें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. टिल देन खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच.